फ्रेंड्स, दिस इज अंकुश। वेलकम टू लर्न अंडरस्टैंड एंड टीच चैनल। यूट्यूब के वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट प्रोटेक्शन करने के लिए हमें कौन से सर्किट्स यूज़ करना चाहिए, उसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट प्रोटेक्शन करने के लिए बहुत सारे ऐसे सर्किट्स हैं जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को प्रोटेक्शन कर सकते हैं, जिसके टॉपिक्स मैंने आपको स्क्रीन पे आप देख सकते हो, जिसके वजह से हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ये सब टॉपिक्स हम वन बाय वन सीखने वाले हैं और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक जो है, हाउ टू प्रोटेक्ट रिवर्स वोल्टेज इन सर्किट। ओके दोस्तों, यहाँ पे मैंने दो सर्किट दिए हुए हैं, बोथ आर डिफरेंट। मतलब दिखने के लिए आपको सेम लग रहे होंगे, पर इसका जो जो प्रोटेक्शन है, जो वोल्टेज का प्रोटेक्शन करते हैं, वो थोड़ा अलग-अलग है। तो बाद में वीडियो होने के बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सा सर्किट सबसे बेटर है जिससे आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का प्रोटेक्शन कर सकते हो। मेरा वीडियो को आप पूरी तरह से देख लो, जिसकी वजह से आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का प्रोटेक्शन कैसे होता है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम पहले सर्किट की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, इस सर्किट में आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने पावर सप्लाई दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने एक डायोड लगाया हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगाया हुआ है और यहाँ पे पॉलिस्टर कैपेसिटर लगाया हुआ है। यहाँ पे आउटपुट में मेरा लोड है और यह मेरा इनपुट साइड है। इस आउटपुट में हमने सपोज IC लगाया हुआ है, जिसे हम लोड कहते हैं। दोस्तों, सपोज इस सर्किट में मैंने इस डायोड को नहीं लगाया तो क्या होगा? तो मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। दोस्तों, जब मैं इस सर्किट में डायोड नहीं लगाऊंगा और यहाँ पे मेरा सप्लाई लगाया हुआ है, सपोज जो सब इस सप्लाई को मैंने रिवर्स लगाया, इस पॉजिटिव को इधर और निगेटिव को यहाँ पे, तो क्या होगा? मेरा जो लोड पे IC लगाया हुआ है वो डैमेज हो जाएगा। ओके, तब इस IC को डैमेज ना हो तो क्या करना चाहिए? इस डायोड को लगाते हैं। ये डायोड क्या करते हैं? रिवर्स वोल्टेज से प्रोटेक्शन देता है। जब मैं डायोड लगाता हूँ और यहाँ पे मैं पॉजिटिव लगाता हूँ, यहाँ पे निगेटिव लगाता हूँ, तो जो मेरा करंट है यहाँ से होके यहाँ पे आएगी और मेरा डायोड शॉर्ट हो जाएगा, जिससे मेरे IC को प्रोटेक्शन मिल जाएगा और IC मेरे डैमेज नहीं होगी और आउटपुट में मेरा -0.7 वोल्ट मैक्सिमम आएगा, जो डायोड का ड्रॉप है। और आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक पॉलिस्टर कैपेसिटर लगाया हुआ है। यह कैपेसिटर क्यों लगाते? जब मेरा यहाँ से हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट जाते हैं तो क्या होता है? वो हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट जो रहते हैं यहाँ से फिल्टर होता है, तो उस हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट को आगे नहीं जाने देता, सिर्फ लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट ही आगे जाते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा जो लोड है वो प्रोटेक्ट हो जाता है और हमारा IC या लोड कोई भी हो तो उससे प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो रिवर्स वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए हम इस सर्किट को यूज़ करते हैं, जिससे हमारा लोड को प्रोटेक्शन मिलता है। तो दूसरा सर्किट ऐसा है कि दोस्तों, यहाँ पे मैंने डायोड, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर और पॉलिस्टर कैपेसिटर सेम एज फर्स्ट सर्किट के जैसे ही लगाया हुआ है, सिर्फ यह जो सेकेंड सर्किट है वो फर्स्ट सर्किट का बेटर वर्जन है। तो इस सर्किट में क्या होता है दोस्तों, इसका कुछ डिसएडवांटेजेस है जो आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, यह जो पॉइंट है, यहाँ पे मेरा कुछ करंट थोड़ा सा कम आ जाता है, जितना आना चाहिए। जैसे मेरे फर्स्ट सर्किट में आ रहा था आउटपुट में, इस पॉइंट पे मेरा जो करंट आ रहा था उतना करंट यहाँ पे उससे थोड़ा कम आ जाता है। क्यों आता है तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने डायोड लगाया हुआ है, आप देख सकते हो, और यहाँ पे रजिस्टर लगाया हुआ है। जब यहाँ से मेरा करंट फ्लो हो जाता है तो क्या होता है, यह रजिस्टर की वजह से यहाँ पे करंट थोड़ा कम होता है, तो करंट इस रजिस्टर और इस डायोड की वजह से यहाँ पे मेरा करंट कम हो जाता है। ओके, तो करंट कम हो जाता है, तो इस फॉल्ट को आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये फर्स्ट सर्किट से बेटर है। ये बेटर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो, इस डायोड के वजह से रिवर्स वोल्टेज जो रहता है वो कम होता है। सपोज यहाँ पे मेरा पॉजिटिव लगाया,
यहाँ पे मेरा निगेटिव लगाया तो क्या होगा, मेरा जो रिवर्स वोल्टेज है वो कम होगा। ओके, फर्स्ट सर्किट में मेरा मैक्सिमम 0.7 वोल्ट आ रहा था, तो इस सर्किट में उतना भी नहीं आएगा। ओके, तो क्या होगा, आपको रिवर्स वोल्टेज से और ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल जाएगा। और दूसरा ऐसा है कि यहाँ पे आप देख सकते हो, इस सर्किट में, सेकेंड सर्किट में, यहाँ पे एक रजिस्टर लगाया हुआ है और यहाँ पे कैपेसिटर लगाया हुआ है, जिसे हम पॉलिस्टर कैपेसिटर कहते हैं। यह आरसी सर्किट हो जाता है। आरसी सर्किट को हम लो पास फिल्टर कहते हैं। तो इस लो पास फिल्टर की वजह से क्या होता है, जब मेरा यहाँ से हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट, हाई फ्रिक्वेंसी करंट जाता है, तो क्या होता है, यहाँ से फिल्टर होता है। और फिल्टर होने के बाद मेरा जो हाई फ्रिक्वेंसी रहता है, आउटपुट के यहाँ पे नहीं जाता, सिर्फ लो फ्रिक्वेंसी ही जाता है। तो उसके वजह से भी मेरा आरसी सर्किट के वजह से मेरा आउटपुट को प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अच्छे तरह से फर्स्ट और सेकेंड सर्किट समझ में आ गया रहेगा। तो ये दोनों सर्किट हम जो है वो रिवर्स वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, और फर्स्ट सर्किट से हमारा सेकेंड सर्किट ज़्यादा बेटर है, जिससे हम रिवर्स वोल्टेज से ज़्यादा प्रोटेक्शन पा सकते हैं। दोस्तों, जो मेरा बाकी के टॉपिक्स है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ, क्योंकि सब जो टॉपिक्स है मैं आपको एक साथ बताऊंगा तो आपको समझने में डिफ़िकल्टीज होगी। तो उस टॉपिक, जो रिमेनिंग टॉपिक्स है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो को आप ज़रूर देखिए, जिससे आपको और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का प्रोटेक्शन कैसे करते हैं वो समझ में आ जाएगा। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो, और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।